नए खबरों से अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें ट्राइबल इंडिया टीवी ऐप। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को जान से मारने की धमकी। अपराधियों ने फोन कर मांगी 15 लाख की रंगदारी। कहा पैसे नहीं देने पर घर में घुसकर गोली मार देंगे। इस संदर्भ में गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज। झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आसू सुप्रीमो सुदेश महतो को जान से मारने की धमकी दी गई है। अपराधियों ने मोबाइल पर फोन कर 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने गोली मारने की धमकी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त की रात करीब 9:30 से 10:15 के बीच दो मोबाइल नंबरों से धमकी वाली कॉल आई है। सुदेश महतो को जिन मोबाइल नंबरों से कॉल कर धमकी दी गई है उन नंबरों को पुलिस ने जांच की है। रांची पुलिस की ओर से इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि ये मोबाइल नंबर जमशेदपुर का है। वहीं ट्रू कॉलर में पहला नंबर इमरान खान और दूसरा नंबर सलमान खान बताया जा रहा है। इस सिलसिले में जमशेदपुर से दो लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी, लेकिन उनकी संलिप्तता इस मामले में नहीं पाई गई, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। बता दें कि पिछले ही दिनों राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईमेल भेजकर जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसे लेकर रांची के साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और अब एक नया मामला प्रकाश में आया है। सदर DSP दीपक कुमार पांडे ने बताया कि आसू सुप्रीमो सुदेश महतो के मोबाइल पर फोन कर अपराधियों ने 14 अगस्त को 15 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस सिलसिले में उनके निजी सहायक ने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर उन्हें गोली मारकर हत्या की धमकी दी थी। उन्होंने बताया कि आसू सुप्रीमो सुदेश महतो की ओर से इस संदर्भ में गोंदा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक रंगदारी मांगने वाले अपराधियों ने आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर धमकी भरी फोन कॉल किए हैं। अपराधियों ने स्पूक कॉल के जरिए रंगदारी मांगी है ताकि वे किसी और को फंसा कर वो खुद आसानी से बच सके। इन दिनों स्पूक कॉलिंग का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसमें व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी और मोबाइल नंबर को छिपाकर कॉल करता है। ऐसे में स्पूक कॉलर अन्य किसी मोबाइल यूजर का नंबर उपयोग कर आपराधिक मामलों में टारगेट को परेशान करने में इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग कर अपराधी ऐसे कई वारदात को अंजाम देने वाली खबर अक्सर सुर्खियों में आते रहे हैं। जरूरत है सावधान रहने की। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।